कैसे हैं आप लोग? सुबह आए थे ऑफिस हम लोग यहाँ पर 9:30 बजे और अभी रात हो गई। सुबह से काउंसलिंग कर रहे हैं, बहुत से लोगों से बात करी लाइफ में, न जाने कितने लोगों की कितनी प्रॉब्लम है। लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, बट एक सच बात बताऊं तुम लोगों को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब ऐसी सिली सी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं क्योंकि वो लोग बस एक्सपेक्टेशन करते हैं, मतलब उनका एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे से। कोई अपने हस्बैंड से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई गवर्नमेंट से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई अपने ऑफिस के बॉस से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई सैलरी से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। सबके ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो, बड़ा मज़ा आया काउंसलिंग में। सोचा कि आप लोगों को भी एक गुड नाइट मैसेज दूँ मैं आपको। जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, एक बात तो मानते होगे, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, काम हम लोगों को सिर्फ एक ही पूरा करना है, वो है हमारा ड्रीम। ड्रीम मतलब एक घर, गाड़ी, अच्छी फैमिली, सिक्योर जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर। मतलब लाइफ ऐसी हो कि सुकून से निकले, ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। बस इसके अलावा अब मुझे लगता है आदमी कुछ और चाहता होगा। कुछ 2-3% लोग होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, बाकी 98% लोगों का सपना यही होता है कि बस जो सोचा है, सपना देखा है, बस वो पूरा हो जाए, लेकिन कर नहीं पाते। प्रॉब्लम यही है, बहुत से लोग कर नहीं पाते। अब इस पर बहुत सारे लोगों का कुछ कहना होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि ओवर ड्रीम होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं औकात से बाहर होता है, कुछ लोग बोलते हैं फलाना ढिमाका। लेकिन मैं तो एक सिंपल सी चीज़ मानता हूँ जो मैंने अपने 10-12 साल में एक्सपीरियंस करा है, कि हम लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं जो एक्चुअल में सक्सेस हैं। हम लोग देखना भी उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन उसको, उस सक्सेस को पाने के लिए जितनी एड़ियाँ घिसी हैं उन लोगों ने, जितनी चप्पलें घिसी हैं ना, ना वो बताते और ना ही आप जानने की कोशिश करते। बस हमें तो ये दिखता है कि सामने वाला सक्सेस है, बस इसने क्या करा है, जो ये कर रहा है उसको फॉलो करो। एक्चुअली वो जिस लेवल पे है ना, हम उसको फॉलो ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टेप्स उसने चढ़ी है ना वहाँ तक पहुँचने के लिए, ना वो बताएगा ना आप जानना चाहते हो। बस यही प्रॉब्लम है मेन। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ बॉडी बिल्डिंग का। जब लोग जिम के अंदर जाते हैं, किसी बंदे को देखते हैं जिसकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, बस हमारा एक ही टारगेट होता है, जो वो कर रहा है हमको वही करना है। जबकि स्टार्ट उसने भी पुशअप, डिप्स और चिनअप से करी होगी, वही केले अंडे खा के बॉडी बनाई होगी, उसके बाद एक एडवांस लेवल पर आया होगा। लेकिन चूंकि उसकी बॉडी पूरे जिम में सबसे अच्छी है, तो हम सबसे पहले उसके पास जाएंगे और वो हमारे गुरु हैं। आज से जो वो करेंगे उसको फॉलो करेंगे। होता कुछ नहीं है, ना वो बताता कि बेटा बेस कर, ना आप जानने की कोशिश करते हो कि भैया बॉडी 3-4 साल में नहीं 10 साल में बनाइए। तो ये 10 साल आप सुनना ही नहीं चाहते हो। आप तो चाहते हो भैया जो बॉडी आपकी है इसको 3 महीने बना दो। वो भैया भी बोलते हैं कि ठीक है भाई बना लो। तो ये है एक्सपेक्टेशन, आपने उससे एक्सपेक्ट करा जो कि गलत था, और यहीं आके आदमी फिर अपने ड्रीम जो है ना वो ख़त्म कर देता है। क्या करें, मैं कहता हूँ एक्सपेक्ट करना छोड़ दो। देखो यार, किसी की जो खूबी होती है और किसी की जो कमी होती है ना, लोग बोलते हैं भगवान की तरफ से। ऐसा कुछ नहीं भाई, भाई भगवान ने सबको वही 2-2.5 किलो का पैदा करा है माँ के पेट से, 9 महीने पेट में रखकर। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पैदा नहीं हुआ। ये जो कमी और जो पेशी है, जो किसी के अंदर खूबियाँ हैं किसी में कमियाँ हैं, ये सब वक्त की देन है, सिर्फ और सिर्फ वक्त की देन है। किसी को थोड़ा जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा देर मिल जाता है, बस हमें अपना वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। आज उसका वक्त है, गुड, वेरी गुड, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कल हमारा वक्त आएगा, हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। और रही बात उस वक्त तक आने के लिए हाथ पैर जो मारना है, तो देखो यार, मारे तो उसने भी है, मारना आपको भी पड़ेंगे। मोर ऑफ द स्टोरी क्या है? मोर ऑफ द स्टोरी यही है, किसी से भी एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करेगा। तुमको अपना अच्छा वक्त खुद लाना पड़ेगा, हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे, बिल्कुल बेस से हाथ पैर मारो। बात, किसी के लिए भी बुराई मत पालो यार, किसी से भी बुराई मत रखो यार। दिल में किसी के लिए भी नफरत ना रखो, ना किसी दूसरे को उसके दिल में अपनी नफरत पैदा करने दो, क्योंकि यार दुनिया बहुत छोटी है, घूम फिर के कौन कहाँ टकरा जाए, कब काम आ जाए, तुम सोच भी नहीं सकते। चीज, जब भी तुम्हें कुछ अच्छा लगे उसको सुना करो, समझा करो। क्या है, सुनने समझने से दिमाग में अच्छे थॉट्स आते हैं, और यही थॉट्स तो हैं जो तुमको आगे का रास्ता बताएंगे। सबसे आखिरी चीज, थोड़ा सा यार झुकना सीखो। झुकने मतलब वो झुकना नहीं, झुकने मतलब हम्बल हो, क्योंकि जितना पेड़ भारी होगा फलों से उतना झुका हुआ रहेगा। दुनिया के अंदर कोई भी इंसान बड़ा छोटा नहीं है, बस किसी के पास वो कागज़ के नोट थोड़े ज़्यादा हैं, किसी के पास कम है, बाकी सब इंसान सेम हैं। तो थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए, थोड़ा सा झुका रहना चाहिए। अगर आपसे कोई सामने वाला थोड़ा सा छोटा है, छोटा इनाम से उसके पास थोड़े से कागज़ के नोट कम है, तो इस मतलब ये नहीं है कि उसको छोटा बोलो। थोड़ा सा झुक के, हम्बल होके उसकी तरह बात करने की कोशिश करो, ताकि कल को जब उसका वक्त आएगा तो वो तुम्हारी इज्जत करे। इसमें से कितनी बातें तुम लोग को समझ में आई होंगी, कितनी बातें सर के ऊपर से गई होंगी, बट जिंदगी इसी का नाम है,
जो समझ में आई उसको दिमाग में रखो, अप्लाई करो अपनी ज़िंदगी में, और जो समझ में नहीं आई उसे समझने की कोशिश करो। यही था मेरा गुड नाइट मैसेज। आप लोगों से कल मिलता हूँ। टेक केयर।